गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा चार, हिंदी रिमझिम कक्षा चार का पाठ 13 हुदहुद। हुदहुद एक पक्षी है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बुक खोल लीजिए। हुदहुद को कलगी कैसे मिली? कलगी मीन्स एक टोपी जैसी होती है, उस पक्षी को वो कैसे मिली इसके बारे में हम पता करेंगे। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। एक सुलेमान नाम के बादशाह मीन्स राजा थे, जो उड़न खटोला होता है, ऊपर को उड़ता है, वो उसमें बैठकर आकाश के रास्ते से कहीं जा रहे थे। तो गर्मी बहुत पड़ रही थी और वे भी धूप से परेशान हो रहे थे। आकाश में कुछ गिद्ध उड़ रहे थे, तो उन्होंने उस राजा से कहा कि अपने पंखों से अपने पंख फैला दो और तुम हमारे सिर पर छाया कर दो। लेकिन उन्होंने गिद्धों से कहा था, पर गिद्धों ने राजा के लिए ऐसा करने से मना कर दिया और उन्होंने बहाना बना दिया कि हम बहुत ही छोटे हैं और हमारी गर्दन पर तो पंख भी नहीं है, फिर हम आपके ऊपर छाया कैसे करें। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उनसे भी मदद मांगी, पर वह चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो तो पर चतुर अधिक हो, तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। जब गिद्धों ने सुलेमान को छाया करने से मना कर दिया, तो सुलेमान आगे बढ़ गए और वे कुछ ही दूर पर गए थे कि उनकी भेंट में मुलाकात हुदहुदों के मुखिया से यानी प्रधान से हो गई। सुलेमान ने उससे भी मदद यानी सहायता मांगी। वह बहुत ही चालाक था, उसने फौरन यानी तुरंत ही अपने सारे दल को, सारे झुंड को बुलाया, हुदहुदों को सभी को इकट्ठा कर लिया और उसने बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान ने उनसे कहा कि मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, लेकिन और वे मेरी मदद कर भी सकते थे, परंतु उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो लेकिन चतुर हो, चतुर मीन्स चालाक हो, बुद्धिमान हो, तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। राजा ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने राजा से कहा कि महाराज मैं अपने सभी साथियों की साथियों से सलाह करूँगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि हमारी क्या इच्छा है। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा,
महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह से और बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। जब उसने मुखिया ने अपने साथियों से सलाह की तो उन्होंने महाराज से कहा कि अब आप हमें यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल आए, यानी सोने का मुकुट लग जाए। बादशाह हंसने लगे और बोले कि मुखिया आपको इसका फल क्या होगा, क्या यह आपने सोचा है। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए, तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। अब सुलेमान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, यानी मंजूर कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे उन सभी हुदहुदों के पीछे पड़ गए, यानी क्यों पड़ गए, क्योंकि उनके पास सोने की कलगी थी और वे उन्हें अपने तीरों से मारकर उनका सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा पा रहा है। सुलेमान ने कहा कि मैंने तो वह हुदहुदों का वंश जब समाप्त होने पर आ गया तो मुखिया घबरा गया और वह सुलेमान के पास गया, बोला कि इस सोने की कलगी के कारण महाराज हमारा तो वंश ही समाप्त हो जाएगा, यानी हमारे वंश, हमारे जो दल में या हमारे परिवारों में कोई भी नहीं बचेगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही यह सावधान होने को कहा था, चेतावनी दी थी, खैर मीन्स, लेकिन अब जाओ और आज से तुम्हारे सिर का ताज, यानी तुम्हारे सिर पर सोने का नहीं केवल सुंदर पंखों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज यानी कलगी शोभा पा रही है। पंखों की, पर मीन्स पंख, पंख की यह कलगी या उनका सिर पर जो ताज होता है वह शोभा पा रहा है, मीन्स सुंदर लगता है और उनके सिर पर वही ताज दिखाई देता है। बच्चों, यह वीडियो अभी हमारी अधूरी है। अगली वीडियो में हम आपको इसके बारे में और जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।